ओम शांति। और अब हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग आपके 9th और 10th जुलाई की, और 9th जुलाई में परमपिता परमात्मा हमें सिखाते हैं समय के बारे में। अगर हमें समय के चक्र के बारे में पता है और वो हमारी स्मृति में रहता है, तो हमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसे क्यों होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसके साथ में ऐसे नहीं हुआ, उसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। तो देखें परमात्मा समझाते क्या है इसमें। बाबा कहते हैं, समय के ज्ञान को स्मृति में रख। जो समय का जो ज्ञान है कि आने वाला युग है सतयुग, अभी चल रहा है संगम युग, नॉट कलयुग, संगम युग। जिन्होंने परमात्मा के साथ में संगम कर लिया है और अपनी सत्यता के साथ में संगम कर लिया है, उसके संगम युग चल रहा है कि हम कौन है और हमारा कौन है और पास्ट में हम क्या थे। तो परमात्मा कहते हैं, समय के ज्ञान को स्मृति में रख, सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव, स्व का दर्शन करने वाले, कि इस समय ये सिचुएशन में अगर मैं ऐसे सोचूं अपने पुराने संस्कारों के हिसाब से, पुराने बिहेवियर के हिसाब से, तो मेरे पाप बन जाएंगे, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे सोचूं परमात्मा के दिव्य ज्ञान के अनुसार, तो मेरा भविष्य और प्रज्वलित हो जाएगा और सुंदर बन जाएगा। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं, जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे स्वयं का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः ही हो जाता है। जिनको पता चल गया कि मुझे इस समय में कैसे चलना है, मुझे आत्मा को क्या करना है, उनको पता लगता है कि फ्यूचर क्या चल रहा है। हम संसार के समय के अनुसार चलना शुरू करते हैं कि संसार कहाँ जा रहा है आगे। कहा जाता है ना कि परमात्मा का जो निर्णय होता है वो अलग होता है, लेकिन इंसान का निर्णय अलग होता है। इंसान बहुत सारी सोच रखता है, लेकिन परमात्मा उसमें से बहुत सारी सोचों को कैंसिल कर देते हैं कि यही आगे होगा। तो अगर हमें भी पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो हमारा भी समय चक्र जो है, हमारी भी सोच का जो चक्र है, ये जो सोच है, उस समय के अनुसार आगे चलती है, आने वाले समय के अनुसार। हम उसके विपरीत नहीं जाते। अगर हम विपरीत जाएंगे तो वहां पे टेंशन और स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो ड्रामा के राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं उठ सकता, ये क्या हो गया, अरे ऐसे क्यों हो गया, अरे ऐसे तो नहीं होना चाहिए, उसने ऐसे क्यों कर दिया, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी हैं। हम स्वयं भी ड्रामा में जो हम हैं, ये ज्ञान समझ के जो हम कर्तव्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, हम स्वयं भी कल्याणकारी हैं और समय भी कल्याणकारी है। जो स्वयं को देखते, स्वदर्शन चक्रधारी बनते, वह सहज ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो जो स्वयं को भी देखते रहते हैं कि इस समय के अनुसार मुझे चलना कैसे है, सोचना कैसे है, बोलना कैसे है, कर्तव्य कैसे करना है, क्या समय चल रहा है और संसार कहाँ जा रहा है, उसके हिसाब से जो चलते हैं उनका जीवन भी कल्याणकारी है, वो आगे बढ़ते चलते रहते हैं। लेकिन जो विपरीत चलते हैं, परमात्मा चाहते हैं कि आप आने वाले समय के अनुसार अपने आप को पवित्र बनाएं, लेकिन आप और अहंकार में और घृणा ईर्ष्या में जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल विपरीत जा रहे हैं, तो और ही परेशानियां बढ़ेंगी, और ही दुख बढ़ेगा। तो इस चीज को हम समझे कैसे हैं? ये स्वदर्शन चक्र क्या है और ये वर्ल्ड ड्रामा व्हील क्या है, ये काल चक्र क्या है, और हम अपने आप को इसके साथ कैसे अलाइन कैसे करें, ये कहाँ जा रहा है, ये समय परमात्मा की क्या रीति है, परमात्मा की क्या सोच है, वो इस समय को कहाँ लेके जा रहे हैं, ताकि हम भी इसके साथ में अपने आप को अलाइन कर लें और हम भी हल्के हो जाएं और हमारे ये प्रश्न खत्म हो जाएं, क्यों क्या कैसे। उसके लिए 7 डेज का कोर्स करना जरूरी है, समय को जानना जरूरी है, स्व के पूर्व जन्मों को जानना जरूरी है, हम क्या थे, कब आए इस दुनिया में, क्या करने आए थे, क्या बने, अब क्या बन रहे हैं और आगे बनना क्या है, ये सारे आंसर्स आपको ब्रह्म कुमारी से मिलते हैं। इसी के साथ ओम शांति।